Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? सॉरी शो थोड़ा सा लेट से शुरू हुआ और इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी. मॉर्निंग में कंप्यूटर जी कनेक्ट हुए नहीं हुए, इंटरनेट आया नहीं आया, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हैं. चलिए आई होप कि आप इन सब बातों को समझेंगे और अपने मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे. ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम. इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपसे उस दिन भी बोला था, शनिवार को ही बोला था कि अब एक टाइम एक चीज़ ऐसी आ गई है ना कि मतलब अब हम कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मेरे कांटेक्ट में हो, हम रोज़ सुनते हैं बातें, हमें अब ये चीज़ करनी है कि हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है. हमारे कंपटीशन में कोई भी ना रहे, मैंने बोला था कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, डिफरेंट स्पीड टेस्ट लगाओ, डिफरेंट एग्ज़ाम दो, लेकिन उस पर आप नंबर एक रहो. अगर इतने दिन से आपने ये चीज़ नहीं बदली है तो आप बदल लीजिए, क्योंकि आपको अपने सपने सच करने हैं. और सपने सच कैसे होते हैं? केवल बातों से नहीं होते हैं. सपने सच होते हैं अपने एटीट्यूड से, सपने सच होते हैं अपने गोल से, अपने ईमानदारी से. तो ईमानदार बनिए अपने पढ़ाई के प्रति, खूब मेहनत करिए और आपको बेस्ट बनना है. किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएं, लेकिन आप वहीं पर छाए रहें. ठीक है, गुड मॉर्निंग अंशुल पांडे जी. मेरी पंक्चुअलिटी को बिल्कुल भी नजर नहीं लगी है, और अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये सब मिस्टेक हो जाती है यार, मैं पंक्चुअल हूं, वरना 7 o'clock पर मेरा मैसेज मॉर्निंग का आ जाता है, गुड मॉर्निंग मैं पहले आ जाता हूं. ठीक है, अब वही बात होती है कि मतलब कि तुम लोग को इसके पीछे कोई दिखता नहीं है कि कौन कौन है, क्या क्या है. अब तुम लोग मुझे सुना देते हो, लेकिन अब मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है. मैं 5 o'clock पे 4 o'clock उठ के यहाँ पे आ जाता हूँ कब बनाने के लिए. अब ये किसी और की मिस्टेक होती है, हम सामने होते हैं बेटा तो हमें कोई बोलते हो, बड़ा बुरा लगता है, पूरा दिन हमारा खराब होता है. इसी से मॉर्निंग खराब तो पूरा दिन खराब है ना. चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, आई होप कि आप समझेंगे इस बात को, और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और आपके लिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर का सेशन है. देखिए यहां पर तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देना शुरू करें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द अमा घरे एलईडी योजना ऑन 11 जनवरी 2019. केवल क्वेश्चन आंसर क्या बात करें यहां पर. नहीं नहीं है, सही बात है यार, मतलब अगर तुम्हारी गलती ना हो और कोई तुम्हें बोले तो मैं कितना बुरा लगेगा. ये शनिवार को भी यही हुआ था कि यार हम लोग अपनी गलती थी नहीं, लेकिन अब आप लोग सुनाते हैं तो बुरा इसलिए लगता है. और सिस्टम जो है उस पर क्या किया जाए यार, उस पर हमारा हाथ तो है नहीं. एंड द आंसर इज ओडिशा, ओडिशा इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पर आ चुका. देखिए, द इंडियन नेवी इंडक्टेड हाउ मैनी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट इन टू इट्स फ्लीट एट नागपट्टिनम इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द कोस्टल सिक्योरिटी ऑन 11 जनवरी 2019. आपका ये रिविजन है, आपको यहाँ पर नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत जरूरी है आपके लिए. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा. और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं 2, तो 2 इज राइट आंसर आपके सामने है. स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, लेकिन बाद में टफ मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे. ठीक है, चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2018-19 विल बी ओपन्ड फ्रॉम 14 जनवरी 2019 विद देयर प्राइस फिक्स्ड एट रुपीज हाउ मैनी पर ग्राम. तो स्वर्ण बॉन्ड 14 जनवरी से उनकी कीमत कितनी होगी, रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खोले जाएंगे, आपको ये बताना है. हाँ, इवनिंग क्लास नहीं होती करंट अफेयर्स की, हमारी मॉर्निंग में ही होती है. ठीक है, चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहाँ पर. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 3214 प्रति ग्राम, 3214 रुपये प्रति ग्राम, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया. हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द 3-डे बंगाल फिश फेस्ट 2019 इनॉग्रेटेड ऑन 11 जनवरी. नहीं, ट्रैफिक में मैं नहीं फंसता हूँ भैया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. अब कंप्यूटर जी देख लीजिए, गलती आप लोग करते हैं, सुनते हम लोग हैं यहाँ पर कि 5 मिनट लेट आप ट्रैफिक फंस गए आप. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द आंसर इज कोलकाता, कोलकाता इज राइट आंसर. तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. यहाँ पर
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के तहत भारत और इस देश के बीच में संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम ऑन 10 जनवरी. आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होने वाला है? वी आर 5 ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज स्वाजीलैंड. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. स्वाजीलैंड इज राइट आंसर. जी हाँ, आंसर भी यहाँ पे आ रहे हैं. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वॉज द फोर्थ मीटिंग ऑफ द काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन हेल्ड ऑन 10 जनवरी. तो व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर है? यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन हमारे पास है. क्या इसका सही आंसर होगा? तो फोर्थ मीटिंग ऑफ द काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन हेल्ड ऑन 10 जनवरी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 7 इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री ऑन 10 जनवरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मॉडल सिंगल विंडो. तो भारत और इस देश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मॉडल सिंगल विंडो. तो ये देश कौन है आपको बताना है जिसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है. हमारे सामने 5 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर चूज करना है. यहां पर 5 ऑप्शन हमारे पास है. क्या इसका सही आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज जापान. जापान इज राइट आंसर. यहां पर आंसर भी आपको देना है. जापान इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. आपके सामने यहां पर देखिए, तो विथ विच कंट्री हैज द यूनियन कैबिनेट ऑथोराइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू साइन द बायलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ऑन 10 जनवरी. तो 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत किया है, मतलब कि इस देश के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था. हमने दो देश के नाम सुने थे, एक जापान का नाम सुना था और एक सऊदी अरेबिया का नाम सुना था. अब यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर जापान होगा. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जापान इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहां पर देखिए, तो हु वॉज कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी फॉर हिज मिलिट्री पावर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोस्टरिंग नेपाल्स लॉन्ग एंड फ्रेंडली एसोसिएशन विद इंडिया ऑन 10 जनवरी. तो नेपाल के भारत के साथ लंबे और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सेना के योगदान के लिए किसे भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर है? देख लीजिए यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज जनरल पूर्णा चंद्रा थापा. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं. आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे. ये देखिए यहां पर, Who was conferred with the ICSI Lifetime Achievement Award for Translating Excellence in Corporate Governance into Reality on 10 January? तो 10 जनवरी को किसे ट्रांसलेटिंग एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने 5 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए यहां पर क्या इसका आंसर होना चाहिए. 5 ऑप्शन आपके पास है. एंड राइट आंसर इज, जी हाँ, आदि गोदरेज. आदि गोदरेज राइट आंसर. आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. तो व्हेन इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व? निर्मल जी, आप कब से पूछ रहे हैं कि CDF के लिए करंट अफेयर्स? तो मैं आपको बता दूं सर, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स तो एक ही होती है. ये आप लोग की भ्रांतियां पल गई हैं कि ये बैंक का करंट अफेयर्स है, ये SSC का, ये CDS का, इसका. सारे करंट अफेयर्स एक ही होते हैं. और आप चाहे तो इस बार के सारे पेपर उठाकर देख लें, चाहे रेलवे का एग्जाम हुआ हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स रूल एक तरह ही है. अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ, मैंने पेपर देखा, पूरा उसमें इंडेक्सेस पूछे गए, अपॉइंटमेंट पूछे गए. कोई एग्जाम अलग के लिए करंट अफेयर्स नहीं बनता है. कैसे आप लोग बात करते हैं? पूरा पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, ठीक है. एंड द राइट आंसर इज 12 जनवरी. 12 जनवरी इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहां पर देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट लॉन्च बाई ग्लोबल एयरलाइन सेफ्टी एंड प्रोडक्ट रेटिंग एजेंसी airlinerating.com फॉर 2018. तो कौन वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी द्वारा की लॉन्च की गई उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है, ये आपसे पूछा गया है और उसका आंसर बताना है. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जेट एयरवेज. जेट एयरवेज इज राइट आंसर. चलिए हाँ, करंट अफेयर्स में भी जाती बात है. अंशिल पांडे जी, आप एक दिन मार खाएंगे जरूर हमसे. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 13 क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पर.
The panel under the chairmanship of which person has submitted its report on digital media and campaigning during last 48 hours before polls of the Chief Election Commissioner Sunil Arora on 10 January. तो किस पर्सन की अध्यक्षता के तहत एक पैनल ने 10 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को चुनाव से पहले अंतिम 48 घंटों के दौरान डिजिटल मीडिया और चुनाव प्रचार पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, इसका आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। लोकेश्वर पूछ रहा है कि डस दिस हैव रिपीट टेलीकास्ट, यस आप देख सकते हैं इसे आराम से पूरे दिन यूट्यूब पे, एंड द राइट आंसर इज उमेश सिन्हा, उमेश सिन्हा इज राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपको इजी मिल रहे हैं, अभी ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पूरे वीक में हमसे नहीं पढ़ा है, आइए उसकी बात भी हम करेंगे आगे, ठीक है। तो हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैव बीन सैंक्शनड अंडर स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम इन द स्टेट ऑफ मेघालय गुजरात एंड उत्तर प्रदेश ऑन 11 जनवरी, मतलब मेघालय गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर पांच ऑप्शन है, हम 11 जनवरी की बात कर रहे हैं, चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा, आइए और आंसर दें क्या इसका आंसर होने वाला है। हमारे सामने पांच ऑप्शन है एंड राइट आंसर इज, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4, 4 प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया अभी रिसेंटली में। चलिए यहां पर बात हो गई है, फोर प्रोजेक्ट कौन है देख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां क्वेश्चन। तो सुषमा स्वराज बिगिन हर 2-डे विजिट टू दिस कंट्री ऑन 12 जनवरी टू अटेंड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर्स क्लास में, कि सुषमा स्वराज ने प्रथम भारत मध्य एशिया वार्ता में भाग लेने के लिए किस जगह पे अपने 2 दिवसीय यात्रा पे गई है, आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जी हां ऑप्शन नंबर 2 उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 क्वेश्चन देखिए। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए ऑन 11 जनवरी, तो यूएसए के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछा गया है। अभी बने रहे, क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे और टफ होते जाएंगे, एंड राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स कूपरमैन, चार्ल्स कूपरमैन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन 11 जनवरी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। हमारे सामने पांच ऑप्शन है और आपको राइट आंसर चूज करना है, क्या इसका सही आंसर होगा। हाँ, लीगल अफेयर्स के वीडियोस, बिल्कुल साहित्य जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, तो हम जितने भी एक्ट बिल ये सब पेश हुए हैं उसकी एक वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जयदीप गोविंद, जयदीप गोविंद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही प्रांजल पांडे, वेरी गुड। तनवीर भी बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हुए सत्तू, ठीक है बढ़िया आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 क्वेश्चन ये पढ़ाया हूं मैं आपको। Who has been named as the chef de mission for the 2020 Tokyo Olympic? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए chef de mission के रूप में किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य इज राइट आंसर, आप यहां पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, 19 क्वेश्चन देखिए। In the 32nd meeting of GST Council held on 10 January, it was decided that the companies with annual turnover up to rupees this amount lakh will stay out of the GST net. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्या इसका आंसर है। जी आंसर बिल्कुल आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड फैंटास्टिक। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जामिनेशन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 40 लाख, 40 लाख इज राइट आंसर। Let's move to our next question, and our next question आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा तुरंत अभी, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है देखिए। The 124th Constitutional Amendment Bill 2019 will amend which of the following articles of the Constitution of India? आपको पता है कि 124वां संशोधन किसके लिए हुआ था, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जनरल कास्ट में उनको रिजर्वेशन देने के लिए, तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में चेंजेस किए जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी। और यहां पर सोना अरविंद का आंसर भी आ गया, ठीक है, आकाश सिंह का भी आंसर आ गया, यहां पर सही आंसर दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, फरहीन बिल्कुल सही बेटा, रुद्र आदित्य मोहंती बिल्कुल सही, एंड राइट आंसर इज बोथ 15 एंड 16 इज राइट आंसर, वेरी गुड फैंटास्टिक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
Where will the first India Central Asia dialogue be held on 12 and 13 January 2019? तो पहली भारत मध्य एशिया वार्ता कहाँ पे आयोजित की जाएगी 12 और 13 जनवरी, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है और इसका आंसर आपको पता होगा जो सुषमा स्वराज की बात कर रहे थे, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान, आप लोग को ये पता है, तो उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड? वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक स्टैम्प पेपर होता है ना, उस पर आप मुझसे साइन करा लो, आपके ये एग्जाम में आने वाला है, कोई भी एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक और इंपॉर्टेंट पर्सन ने लिखी भी इस बुक को। क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज मलाला यूसुफ जई, राइट आंसर। सब लोग सही आंसर यहां पर दे रहे हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। When is the World Hindi Day observed? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ये पता होगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 10 जनवरी। 10 जनवरी इज राइट आंसर, भूलिएगा नहीं अपने मार्क्स को कमेंट करने का। मार्क्स मुझे जानने हैं, आपने पूरे वीक पढ़ाई की, कितने क्वेश्चन आपको याद थे ये आपको बताना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new UN Special Coordinator in Lebanon on 9 January? तो 9 जनवरी को लेबनन में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष समन्वयक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसे और आपके आंसर सही आने चाहिए। क्या इसका आंसर होगा? कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जैन कोबिस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड हाउ मेनी मिलियन डॉलर टू सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ऑन 9 जनवरी? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को कितना मिलियन डॉलर दे रहा है? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन और आंसर मुझे सही मिलने चाहिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक, और तेज और जोश के साथ सारे आंसर हमारे सही होने चाहिए। इस वीक तो ठीक है, नेक्स्ट वीक आपके पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि मंडे को हमारा रिवीजन क्लास होता है, इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ठीक है। मंडे को रिवीजन क्लास मैं क्यों करता हूं, आप जब पेपर देंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा क्या इसके बेनिफिट्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, $400 मिलियन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ऑपरेशन ऑन हाउ मेनी वाटर एरोड्रम अंडर उड़े देश का आम नागरिक 3? ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने ये भी बोला था कि देश का पहला आइलैंड ये बन जाएगा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कितने जगहों पे जल विमानों के परिचालन को अनुमति दे दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 13 प्लेस को अप्रूवल मिल चुका है, आपको ये पता है, ठीक है। प्रांजल पांडे 11 नहीं है बेटा, गलत हो गया। चलिए सोनारबिन सही है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was named 2018 Confederation of African Footballs Player of the Year? I think आपको इसका आंसर पता होगा। बहुत अच्छे ये फुटबॉलर खिलाड़ी भी हैं, इनके YouTube पर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, बड़ा अच्छा खेलते हैं। इजिप्ट से ये बिलोंग करते हैं और इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर होगा मोहम्मद सलाह इज राइट आंसर, लिवरपूल के लिए खेलते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, थोड़ा और तेज कमेंट करो, जल्दी जल्दी चलो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 और 8 जनवरी इंडिया अलाउ ईरान पसर गाद बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन विस सिटी। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि हमारा कौन सा बैंक वहां ओपन हो रहा है और उनका कौन सा बैंक यहां ओपन हो रहा है, याद है? बहुत डिटेल है, मैंने पढ़ाया था कि चाबहार पोर्ट का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब चीज मैंने पढ़ाई थी। क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, और इंडिया का कौन सा बैंक ओपन हो रहा है ईरान में, ये भी आपको बताना है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये भी, ठीक है। एंड द मुंबई इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडिया का कौन सा बैंक अभी आपने बताया नहीं है, बता दीजिएगा मुझे, ठीक। चलिए 29 क्वेश्चन यहां पर बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गंगा जल प्रोजेक्ट इन विस सिटी ऑन 9 जनवरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर से गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया था, आपको ये बताना है, सही आंसर क्या होगा? आई थिंक हाँ, यूको बैंक, चेतना बोल रहे हैं यूको बैंक, दीपक बोल रहे हैं यूको बैंक, ठीक है बेटा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऋषभ पूछ रहे कब सर? अरे फ्राइडे या थर्सडे को मैंने पढ़ाया यार, ये सब डिटेल में पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आंसर क्या है? आगरा इज राइट आंसर, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following launched an online campaign hashtag www web wonder woman on 9 January? आपको ये पता है कि ये क्यों किया गया था, बिकॉज सोशल मीडिया से जिन लेडीज ने, जिस फीमेल्स ने
किसी तरह का चेंज लाया सोसाइटी में, उनके अचीवमेंट को ढूंढने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। अब बात महिलाओं की हो रही है, बात फीमेल्स की हो रही है, तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें कोई इब्बट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग समझदार हो चुके हैं, आप लोग रॉक स्टार कैटेगरी में आ चुके हैं, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। आइए 31 क्वेश्चन की बात करेंगे। माफ करिएगा, यहाँ पर हिंदी तो नहीं है और हमेशा की बात है, ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर देना है। हु विल हेड द पैनल दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू हियर द टाइटल स्विच इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या केस। एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे ये आपसे पूछा गया है, लेकिन कमेटी काफी ज्यादा मतलब इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूटेड टू हियर द टाइटल सूट इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या केस, व्हाट इज द राइट आंसर? आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? और अभी तक आंसर नहीं आया है, अंजना साहू जी थैंक यू सो मच, आप बोल रही हैं वेलकम, बिल्कुल आपके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे। SSC GD के लिए गौरव मिश्रा जी, हमारी क्लास होती है शाम को 5 बजे, बहुत सारी क्लासेस हमने ली हुई हैं, रिवीजन हमने कराया हुआ है। चलिए और आंसर क्या होगा इसका? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप इन्हें जानते तो है ना, कौन है ये? हाँ जानते होंगे, जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What will be the total number of district now in Tamil Nadu by bifurcating Vilupuram district into Kallakurichi? और क्या इसका आंसर होगा ये बताना है आपको, मतलब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो कितने नए शहर हो चुके, कितने शहर बन चुके हैं ये आपसे पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड व्हाट इज द राइट आंसर। जी हाँ CGI, हाँ वेरी गुड, तुम्हें जानते हो तो हर चीज यार। चलो और आंसर आपको अब देना है, यहाँ पर आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 33rd इज राइट आंसर, याद है आपको। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर आ चुका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Which country has withdrawn from United Nations backed anti-corruption commission? तो किस देश ने United Nations के anti-corruption commission से खुद को withdraw कर लिया है? क्या इसका answer होगा? देखिए नया question मिलेगा आपको, मे बी आपने पढ़ा होगा। प्रज्ञा राज गुप्ता जी, PDF आपको मिलेगा हमारा शो कंप्लीट होने के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए what is the right answer? And the right answer is ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला इज राइट आंसर, नहीं इसराइल नहीं है संगीता जी, बिल्कुल नहीं। प्रांजल पांडे गलत, सोना अरविंद भी गलत हो गए यहाँ पर, ग्वाटेमाला इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते, यही तो हमारी खूबसूरती हमारे शो की, बहुत सारी नई चीजें आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी अकाउंट वेयर ओपेंड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना टिल लास्ट दिसंबर, मतलब दिसंबर तक की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने अकाउंट खुले हैं ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? चलिए क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज गुलशन जी एक बार चेक करिएगा, PDF मिल जाएगा बेटा आपको, परेशान नहीं। अगर नहीं मिल रहा है किसी भी टॉपिक का, किसी भी डे का, तो डिस्कस पे कमेंट करिए, आपको हम दे देंगे वहां पे, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज 33.66 करोड़ रुपीज, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द UDCT एल्युमिनी एसोसिएशन धीरूभाई अंबानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। वी हैव 5 ऑप्शन एंड यू विल हैव टू चूज राइट वन, वॉट इज द राइट आंसर? हमारे सामने यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया कि किस पर्सन को UDCT एल्युमिनी एसोसिएशन धीरूभाई अंबानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनके आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या इसका आंसर होगा? मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना था, याद होगा तो कर लेंगे, नहीं याद तो नहीं होगा। एंड द राइट आंसर इज सर रिचर्ड जे रॉबर्ट्स, सर रिचर्ड जे रॉबर्ट्स इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 36 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू CSO व्हाट विल बी इंडियाज इकॉनमी इन 2018-19? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमंत जी मैं बिल्कुल हिंदी में डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए परेशान ना हो, हिंदी इंग्लिश मत बोला करो भैया, ये सब लिमिटेशन जानबूझ के अपने लाइफ में क्यों ला रहे हो और अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, ये सब मत करिए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इतना टफ नहीं है कुछ भी। क्या इसका आंसर होगा? एंड आंसर इस यहाँ पर 7.2% है, प्रांजल पांडे 7.3% बोल रहे हैं, देख लीजिए प्रांजल क्या होता है, हाँ देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई द मंत्रालय एंड विधिमंडल वर्तहर संघ। तो आपसे पूछा गया है कि किस पर्सन को ये अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का नाम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई द मंत्रालय एंड विधिमंडल
वर्तहर संघ, संघ है ठीक। यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने है और आपको राइट आंसर चूज करना है क्या इसका आंसर होगा। देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डीनू रंडीवे। डीनू जी सही आंसर इसका है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, एज पर रविशंकर प्रसाद जी, आप इन्हें जानते होंगे ठीक। एज पर रविशंकर प्रसाद जी, द टोटल वैल्यू ऑफ भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉस्ड हाउ मच इन दिसंबर 2018। तो रविशंकर प्रसाद जी के हिसाब से भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन दिसंबर में कितना हो गया था, आपको यह बताना है क्या इसका आंसर होगा। देख लीजिए यहां पर, वॉट इज द राइट आंसर। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 लाख करोड़ रुपीज। 1 लाख करोड़ रुपीज से ऊपर ट्रांजेक्शन हो गया भीम यूपीआई से। तो ये क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करा दिया। आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही ऑसम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी हेड कॉन्स्टेबल रानी ऑफ 5th इंडियन रिजर्व बटालियन ऑफ विच स्टेट वॉन अ गोल्ड मेडल इन द सीनियर नेशनल वुमेन्स जूडो चैंपियनशिप एट विशाखापट्टनम। यानी इस क्वेश्चन से हमें एक आंसर ये मिल रहा है कि सीनियर नेशनल वुमेन जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। तो लेडी हेड कॉन्स्टेबल रानी जी ने यहाँ पर क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये किस स्टेट के 5th इंडियन रिजर्व बटालियन से बिलोंग करती है, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आंसर आ गया है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा सामने यहां पर आ चुका। हाउ मच अमाउंट वॉज एलोकेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इसरो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 40 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन नेक्स्ट 4 ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो को कितना अमाउंट दिया है 4 साल के लिए। 4 साल में इसरो 40 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करेगा इसके लिए, और आपको इसका आंसर देना है क्या इसका आंसर है। देख लीजिए यहां पर, मनोज सिंह जी क्या हालचाल है आपके, मनोज सिंह जी बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए आगे बताइए और आंसर दे क्या इसका आंसर होगा। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10,900 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए तो किसके लिए है, गगनयान के लिए था। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अरे गगनयान के लिए था, सब के सब 10,000 करोड़ दे रहे हैं सर, अरे वापस आ जाओ भैया, नहीं गुस्साओ नहीं। 10,000 करोड़ रुपीज दूसरे के लिए था, ये 10,900 करोड़ रुपीज है। देख लो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, जल्दीबाजी हमेशा ले बीतती है, जल्दी का काम शैतान का काम कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन, हु वॉन मेन्स 2019 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल। तो 2019 का ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल लेकिन मेन किसने जीता, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है क्या इसका आंसर है। आइए आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, के ई निशिकोरी जीते हैं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल, आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोजर फेडरर। यहां पर नविता बागरी क्या किया आपने, जय माता दी, अच्छा ये आ रहा है, सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 42nd क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ क्रूजेट अगेंस्ट करप्शन। किसने लिखी है ये बुक, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्या इसका आंसर होगा। हाँ, मंडे को रिवीजन होता है, मंडे को पूरे लास्ट वीक का रिवीजन होता है, और क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर, जिनको आंसर नहीं आ रहे वो हैप्पी मकर संक्रांति बोल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको थैंक यू सो मच, आप लोग को बधाई हो, लेकिन अभी केवल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मनोहर मनोज इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद द ICSI लाइफ टाइम अवार्ड, ये क्वेश्चन हो चुका है और इसका आंसर भी आपको मालूम है क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आदि गोदरेज, टाइम इस पर कम लेंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका। देखिए, दिस कंट्री टॉप्स इन द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018। This country tops in the EIU Democracy Index 2018. अगर आप लोग ये कोड देख रहे हैं तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, मुझे ये भी आप बता दीजिएगा जरा, ठीक है। इंडिया टॉप पर नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आइए और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। देख लीजिए, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इंडिया। एक क्वेश्चन आपसे मेरा है कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी, ये आपको बताना है।
एंड राइट आंसर इज नॉर्वे. नॉर्वे इज राइट आंसर. इंडिया की रैंक आपको बतानी है इसमें, ये आप बताएंगे मुझे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए यहाँ पर तो बिल पास्ड बाय लोकसभा दैट एम्स टू रिमूव लेप्रोसी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इन फाइनल प्रपोजल लॉ. तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस लॉ में चेंज करने जा रही है जिसमें लेप्रोसी के आधार पर कोई किसी को तलाक दे सकता था. तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सोशल इकोनॉमिक इश्यू से क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. इंडिया 41 की 42, देख लो ध्यान से, 42. गुलशन जी 79th रैंक आप किसमें बोल रहे हैं, आप उसमें बोल रहे हैं क्या, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? अरे चीजों को मिक्स मत किया करो यार. चलिए और इस क्वेश्चन का आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018. इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसके थ्रू अमेंडमेंट किया गया है, लेप्रोसी के आधार पे तलाक अब नहीं हो सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तुम लोग कुछ पढ़े बढ़े नहीं हो, मैरिज लॉ कहां से हो जाएगा जी. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 46. नेम द चेयरमैन ऑफ एनएससी हु रिजाइन हिज पोस्ट रिसेंटली. ये क्वेश्चन तो सब बता देंगे, सबको इसका आंसर बता होगा. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अशोक चावला. अशोक चावला इज राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन पे टाइम मैं कम लूंगा, आगे बढ़ता हुआ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स. फिर देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड. आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा. अशोक चावला आप एकदम कमेंट एकदम खुश होकर आ रहे हैं एकदम. और इस क्वेश्चन का आंसर, चलो जरा क्या इसका आंसर होगा. पांच ऑप्शन हमारे पास हैं. व्हाट इज द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज आलोक वर्मा, ऑप्शन नंबर बी. आलोक वर्मा इज राइट आंसर, आप यहां पे देख पा रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे. इसका तो आंसर दे देना, पढ़ाया हुआ ये. व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट गैस 2019. तो आपको बताया कि ग्लोबल एविएशन समिट जो है मुंबई में होने वाली है और इसके लिए गैस एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है. इसकी थीम क्या है ये आपको बताना है. व्हाट इज द थीम. आलोक वर्मा ने रिजाइन कर दिया है. हाँ, और इसका आंसर दिया, और आंसर क्या होगा इसका. आंसर है फ्लाइंग फॉर ऑल. फ्लाइंग फॉर ऑल इज राइट आंसर. फ्लाइंग फॉर ऑल इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ चुका. देखिए, हु इज द रिसिपियंट ऑफ द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्रिंट कैटेगरी. आपको इसका आंसर देना है. तो किसको मिला है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. यहां पर पांच ऑप्शन हमको दिखाई पड़ रहे हैं. और व्हाट इज द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस विजय कुमार. एस विजय कुमार इज राइट आंसर. एस विजय कुमार इज राइट आंसर. यहां पर आपने देख लिया. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. थोड़ा टाइम कम हमारे पास है, क्वेश्चन ज्यादा है. देखिए यहां पर, चलिए, द जीएसटी पैनल अप्रूव्ड लेवी ऑफ 1% कैलेमिटी सेस बाई केरला फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years टू फंड रिहेबिलेशन वर्क इन द स्टेट ऑफ केरला. इट वॉज लीड बाई. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब केरला में जो भी डिजास्टर आए उसके लिए 1% कैलेमिटी सेस लगाया जाएगा. तो ये जो है, ये एक ग्रुप बना था, उसने डिसीजन लिया है. इस पैनल के हेड कौन थे ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर भी आप लोग दे लेंगे बिकॉज ये पहले भी हम बात कर चुके हैं अपने करंट अफेयर सेशन में. एंड द राइट आंसर इज सुशील कुमार मोदी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार. ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 51 क्वेश्चन, द फोर्थ एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग हैज बिगन इन. तो रायसीना डायलॉग का चौथा एडिशन जो है वो कहां पे शुरू हुआ ये आपसे पूछा गया है. देख लीजिए यहां पर पांच ऑप्शन हमारे पास है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली. नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर आई थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट की थी. तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन नॉट फॉर सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेज इन विच सिटी ऑफ केरला. तो केंद्र सरकार ने मान लिया है एक सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए फॉर क्लासिकल लैंग्वेज इन विच सिटी ऑफ केरला, ये आपको बताना है. तो आपके सामने यहां पर फिर से पांच ऑप्शन है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तिरूर. तिरूर इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने यहां पर है. तो विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सॉप्स टू इनकरेज फार्मर टू एनरोल इन द अटल सोलर कृषि पंप योजना. आपको इसका आंसर देना है कि अटल सोलर कृषि पंप योजना में एनरोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में कुछ पैकेज बांट रही है किसानों को जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट होंगे. क्या इसका आंसर है देख लीजिए यहां पर.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने यहां पर आ चुका, तो SREI Equipment Finance and this bank entered into an agreement for financing the micro, small and medium enterprises and agriculture sector. तो SREI और इस बैंक ने एक एग्रीमेंट किया है MSME को लोन देने के लिए. तो ये बैंक कौन सा है ये आपको बताना है. क्या इसका राइट आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, याद रखिएगा इसे भी. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने 55 क्वेश्चन की बात करेंगे. आपके सामने द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज एस्टेब्लिश्ड अ ब्राह्मिन कॉर्पोरेशन एम टू हेल्प पुअर पीपल ऑफ ब्राह्मिन फैमिलीज. फिर देख लीजिए यहां पर कि कौन सा राज्य है जो कि ब्राह्मण कॉर्पोरेशन बनाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गरीब ब्राह्मण फैमिलीज हैं उनको हेल्प करना. यहां पर पांच ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं. क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए यहां पर व्हाट इज द राइट आंसर. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, आपने यहां पर देख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है. प्रताप सिम्हा डिमांड चेंज इन IBPS रिक्रूटमेंट पैटर्न रिसेंटली. ही वॉज द MP ऑफ विच स्टेट. प्रताप सिम्हा ने IBPS के रिक्रूटमेंट में चेंजेस की डिमांड की है. इनका कहना यह है कि जैसे जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसके बेस पर भी सिलेक्शन होना चाहिए बिकॉज किसी और स्टेट का बच्चा किसी और स्टेट में आकर सिलेक्शन ले लेता है और उस स्टेट के बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं. तो क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है. What is the right answer? And the right answer is option number C, Karnataka. Karnataka is right answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपने next question की बात करेंगे जो हमारे सामने आ रहा है. ये देखिए next question हमारा. Who unveiled 6 projects worth ₹5,300 crore in Jodhpur recently? तो इनमें से किस person ने जोधपुर में 5,300 करोड़ रुपए के 6 project की शुरुआत की है ये आपसे पूछा गया है और इसका answer क्या होगा? We have 5 options और आपको इसका answer देना है. And the right answer is नितिन गडकरी जी, because वहाँ पे कई highway के project launch किए गए हैं तो इसलिए आपको ये question यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. हम आगे बढ़ते हुए अपने next question की बात करते हैं जो हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर है. देखिए Which railway station become the first railway station of South Central Railway Zone 2 host a huge tricolor flag on 100 foot tall pole on 2nd January 2019? तो इनमें से कौन सा वो railway station है जो कि South Central Railway Station पड़ता है जिसने कि अपने station पे 100 foot लंबे pole पर एक बड़ा झंडा फहराया हुआ है? क्या इसका answer होगा? यहाँ पर पांच option आपके सामने हैं. And the right answer is option number B, Secunderabad Railway Station. Secunderabad Railway Station is right answer. जो जी हाँ बिल्कुल सही है. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने 59 question की बात करते हैं. Second last question आज का हमारा. When was the World Day for War Orphans observed? When was the World Day for War Orphans observed? आपको इसका answer देना है. क्या इसका answer होगा? Days पर एक question आपके लिए यहाँ पर. And the right answer is ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी. 6 जनवरी इज राइट आंसर. दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू ₹3 लाख फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से हर बच्चा जिसने मुझे फॉलो किया है रिसेंटली या बहुत पहले से उसका आंसर दे लेगा. क्या इसका आंसर है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा. ओडिशा इज राइट आंसर. दोस्तों इसी साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. हम कोशिश करेंगे कि हमारा शो कभी डिले ना हो और हम ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे भी लेट पसंद नहीं है और आपको भी नहीं पसंद होगा. वी आर रॉकस्टार, हम टाइम पे रहते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पे धमाल मचाते हैं. और कब तक हमारा बुरा समय होगा? समय हमारा अच्छा आएगा. बस एक काम करिएगा, मैंने जो आपसे बोला है कि अब बेटा आप लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए काम नहीं करोगे, अब आप काम करोगे सिलेक्शन लेने के लिए. आप एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से और मुझसे भी कि आप ही नंबर एक रहोगे किसी भी चीज में. कहीं पर भी जाओगे धमाल मचाओगे, नाम बनाओगे और एटलीस्ट मतलब ये होगा ना कि हाँ कि एक ऐसा सोशल मीडिया पर, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप दूसरों से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम करते हैं कम्युनिकेट. मुझे आप सबके नंबर पता होते हैं, नाम पता होते हैं, मैं आपसे बात करता हूं. तो हम एक ऐसा बनाएंगे ना ऑरा कि हाँ, मतलब जस्ट लाइक कि अभिजीत सर हम लोग हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हम मोटिवेट एक दूसरे से हुए, आप भी आगे जाओगे, हम भी आगे जाएंगे, हमारा शो भी आगे जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे. तो मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए. जिस दिन आप बेस्ट बन जाओगे ना तो फिर कौन होगा आपको पीछे करने वाला? आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा. तो खूब मेहनत करिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए, यही टाइम है, यही टाइम है खूब मेहनत करने की.
थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे 5 o'clock पर फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, तो वहां पर भी हम बात करेंगे बैंकिंग क्वेश्चन की। थैंक यू गाइज।